तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ ठीक होंगे, मजे में होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। अभी मैंने जो अभी वीडियो अपलोड की है कि मतलब रिवॉर्ड के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, मतलब जो भी आप अभी हो गए। हाँ गाइस, अभी तो बहुत ही बैड न्यूज़ आई मतलब बांग्लादेश से, मतलब बांग्लादेश वाले लोगों के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है गाइस। मतलब आपने थंबनेल देखे तो पता कर लिया क्या न्यूज़ है गाइस। बांग्लादेश में पबजी और फ्री फायर बैन हो गए हैं। पबजी और फ्री फायर बैन हुआ गाइस, पबजी और फ्री फायर बांग्लादेश में आज हमारे पबजी और फ्री फायर बैन हो चुका है। और ये वहाँ की गवर्नमेंट ने मतलब फुल न्यूज़ मतलब कंफर्म न्यूज़ दिया कि हाँ पबजी और इसको बैन किया जाए। और न्यूज़ के पीछे ये राज है कि आजकल के जो बंदे हैं गेम को बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं, मतलब सुसाइड करने तक आ गए। मतलब अगर हार जाए या फिर कुछ फैमिली डिप्रेशन, फैमिली वाले नहीं खेलने देते तो फिर वो लोग सुसाइड करने पर आ जाते हैं। तो मतलब ये हालात है, बहुत ही ख़राब चली बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के जितने पेरेंट्स हैं, ये भी चला था कि मतलब बंदे बच्चे लोग चोरी कर रहे हैं मम्मी पापा के पैसे टॉप अप करने के लिए, जैसे कि हमारे मतलब करते बहुत सारे बंदे करते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, पैसा मत चोरी करो यार, गेम में पैसा ज़्यादा ना फूको। हाँ, जब कोई अच्छा इवेंट आपको लगे, दिल से अच्छा लगे, तो फिर आप लोग ले सकते हो। मतलब मैं भी लेता जो मुझे पसंद है, लाइट पास लेता जब था। अभी तो मैं खुद मानता हूँ मैंने 1200-1400 डायमंड फूका वो इमोट के ऊपर जो थॉन इमोट है। पर मैंने अभी यहाँ से वादा किया मम्मी से, मम्मी इतना पैसा नहीं, मम्मी से पूछा था मैंने, कहीं मम्मी एक चीज़ है मुझे पसंद, मम्मी ने खुद परमिशन दी और मुझे मतलब पैसे दिए। तो मैंने वहाँ से वहाँ किया, पूछ कर लो भाई, जो भी करना था पूछ कर करो पेरेंट्स के यार, क्योंकि अपने पेरेंट्स ही सबसे आगे होते हैं, पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, पेरेंट्स जो बोले वही करो यार, वो अच्छे के लिए बोलते। फ्री फायर नहीं खेलने बोले मत खेल पा, अगर तुमको खेलना है तो पापा पापा को बोलो कि पापा पापा मुझे खेलना है, इतना इतना घंटा खेलूँगा। अपना शेड्यूल बनाओ यार, शेड्यूल से खेलो। अभी क्या पढ़ाई लिखाई नहीं मालूम है, खेलना खेलना पड़ता है, बट गाइस थोड़ा आप लोग समझो, कॉम्प्राइज आप लोगों को भी करना पड़ेगा यार। और तो यही हालात देखते हुए तो बांग्लादेश के कुछ पेरेंट्स लोग ने मतलब कंप्लेन किया वहाँ के गवर्नमेंट को, गेम जो भी है वहाँ का गेम गेमिंग जो फ्री फायर का संभालता है, सबको कंप्लेन किया कि हमारे यहाँ पर बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, डेथ हो रही है। कम से कम वहाँ पर डेली 500 लोग, 600 लोग, 100 लोग, 200 लोग खाली गेम के चक्कर में मरते थे। तो बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत दुखी हुआ मतलब कि उनके बच्चे मर रहे हैं, तो वो लोग ने फ्री फायर बैन करवा दिया। मतलब बैन मतलब वो लोग ने मतलब लोग कंप्लेन की, वहाँ की सरकार ने फटाफट फैसला लिया और फ्री फायर बैन करवा दिया, फ्री फायर पबजी दोनों बैन हो गए। तो ये बहुत ही बैड न्यूज़ है बांग्लादेश लोग बांग्लादेश के लिए। तो बांग्लादेश वाले आप लोग टेंशन ज़्यादा ना लो भाई लोग, अगर आप लोग सोच रहे हो कुछ करने के लिए तो मत करिए, सुसाइड बहुत गलत चीज़ होती है यार, प्लीज़ यार ये सब मत करो यार, हो जाएगा जल्दी अनबैन हो जाएगा, बस और सब्र कर लो, शायद से लोग अनबैन कर देंगे, सरकार वहाँ की बहुत अच्छी है हमें नो गाइस यार। और हमारे इंडिया में भी आजकल चल रहा है, बहुत बंदे आजकल टॉपअप के लिए क्या मालूम क्या क्या करते हैं, बस गाइस यार टॉपअप के लिए ऐसा मत करो आप लोग, प्लीज़ यार आप लोग से मेरा ये निवेदन है, प्लीज़ यार ऐसा टॉपअप के लिए मत करो यार, गेम के लिए सब मत करो, अपनी जान अपनी जान मत दो यार भाई लोग, जान बड़ी चीज़ होती है, जान रहा तो आगे बहुत कर चुकेंगे यार, गेम है, गेम के लिए इतना क्यों मर रहे हो यार। बस इतना आपको कहना था मेरा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के शेयर करें, इसमें सब्सक्राइब नहीं बोलूँगा, इस जितना हो पाए उतना शेयर करो अपनी वीडियो में, जितना हो पाए उतना शेयर, क्योंकि वीडियो हर जगह को पहुंचना चाहिए, क्योंकि हर बंदे बहुत सारे बंदे बांग्लादेश वाले सीरियस लेके बैठे हैं, वो लोग खाना पीना छोड़ छाड़ के बैठे हैं। सो गाइस प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से, बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑल ऑफ यू।